हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स। सो आपके पास है 2025। सो आपने पे क्या बनाया, इसके पेयर बना लिए 25 एंड 20 का। नंबर ऑफ द पेयर्स, नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन नंबर्स। नंबर ऑफ द पेयर आपके पास कितने हैं, इसमें 2 बने हैं। एंड नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर आपके पास कितने डिजिट्स हैं, इसमें 2। पेयर के जितने डिजिट बने उसमें आपके पास 2 हैं। सेम एज इसका बी पॉइंट में हम इसके पेयर बनाएंगे। नंबर ऑफ पेयर इसमें आपके बने हैं 3, एंड नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट्स आपके कितने हो गए, इसके 3 हो गए। एंड सी पॉइंट में आपके पास नंबर ऑफ पेयर 3 है, नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट्स इज 3। देन क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसका 3721, इस पर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो आप कैसे करोगे, आप इसके क्या करोगे, पीछे की साइड से इसके पेयर बनाते चलेंगे। जैसे कि हमने 21 एंड 37, इनके हमारे क्या बन गए, 2 पेयर बन गए। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो 37 है वो कौन से टेबल से कम्प्लीटली जाएगा। सो हमने देखा है 6 जाओ, तो 6 जा को हम इसके ऊपर साइड में लिखेंगे, इसके साइड में लिखेंगे, तो 6 6 6 6 जा 36। तो हमने इसको इसका कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पेयर को 21 के पेयर को हम इसके नीचे यहाँ पे उतार लेंगे। सो अब ये जाएगा हमारा, देन 6 6 को हमने क्या करा, जो हमारा 6 ऊपर भी था नीचे भी था, दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 6 को 6 को प्लस करने पे आपका आ जाएगा 12। अब आपका जाएगा, आपको सीधा देख के पता चला कि आपका सीधा जाएगा 1 जा पे, तो 1 जा पे आपका कंप्लीटली चला गया। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका 61। सेम एज इसका बी पॉइंट पर भी हमने क्या बनाया, इसके पेयर बनाते हुए चले। 4 क्या आया और बचा हमारा, इसका एक सिंगल नंबर बचा, तो हमने इसको देखा कि आपका जाएगा कम्प्लीटली 2 जा पे, 2 2 जा 4, तो हमारा इसको हमने माइनस कर दिया, तो वहाँ पे आ जाएगा 0। और फिर हमने क्या लिया, 20 का पेयर 28 का लिया। अब यहाँ पे हमारा आया 4, तो यहाँ पे इसका ले लिया हमने 0, तो क्योंकि हमारे नहीं जा रहा इससे, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दी। फिर हमने फिर एक और पेयर लिया 49 का, फिर ये आपका जाएगा कम्प्लीटली 7 जा पे, तो इसको हमने कम्प्लीटली 7 जा पे कर दिया। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया आपके 207। सेम है जिसका सी और डी पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम है। इसका भी बस हमने क्या करना है, पेयर बनाते हुए चलेंगे और देखो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ई पार्ट भी इसका बिल्कुल सेम है। देन से हमें इसका पेयर बनाएंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 902। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 4529 मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपने इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपका जो क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐड या सबसे जो भी है। सो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट निकल के आपका कितना आया है, इसका 67। और इसका रिमाइंडर आपके पास कितना बच गया, इसका 40। सो 67 का होल स्क्वायर आपका आया 4529, क्योंकि आपका क्या है, सॉरी ये ग्रेटर है इसका, इसे छोटा है। तो इसमें 68 का स्क्वायर निकाला, तो आपका आया 4624। सो नाउ इसको हमने क्या करा, माइनस करा, आपके पास कितना है, 95 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेर एडिड टू हाव 4529, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम 95 को इस वाले नंबर में ऐड करते हैं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स फ्रॉम 28,857 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। सो आपने क्या करा, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपके पास कितना आया, इसका स्क्वायर रूट 144, आपका रिमाइंडर कितना बचा, इसका 121। सो 121 भी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द 20,875 इज द ऑपेरा परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना था, इसमें इसको आपका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 27,736 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 144 का इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इसको सब्सट्रैक्ट करने पर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन एडिड टू 6,321 मेक बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें हमें क्या करना है, एक नंबर ऐसा बताना है कि इसको ऐड करने पे क्या बन जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बने। पर हमने इसका क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाल लिया, कितना है इसका 17, इसका रिमाइंडर आया आपका कितना, 120। सो हमने क्या करा, इसका 79 का स्क्वायर आप क्या है, 6 इसका ज़्यादा क्या है, 6,321, एंड 80 का स्क्वायर क्या है, 64,000। तो हमने क्या करा, 6,400 में से 6,321 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास कितना है, 79। तो 79 क्या है, इसका लीस्ट नंबर है विच मैन वी एडिड टू आर 6,321 मेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको 79 को इस वाले नंबर में ऐड करते हो, तो ये आपका क्या बन जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फ्रॉम 19,327 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. सो आपने क्या करना है, इसमें से भी वही सेम आपने क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है ताकि आपका क्या बन जाए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाले. स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आया, इसका इसका रिमाइंडर आया सिक्स. सिक्स इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर. अगर आप इसको जो आपका 19,327 अगर इसको आप माइनस करते हो तो ये आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वेयर. अब स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1 लाख. सो हम इसको क्या कर देंगे, इसके स्क्वेयर रूट निकालेंगे. आपके इसका रूट कितना निकल के आया, 316, और इसका रिमाइंडर कितना आपका आया, 144. तो आपको क्या करना था, इसको इसमें से इसका स्क्वेयर रूट बताना कि इसका परफेक्ट स्क्वेयर रूट क्या होगा. तो हमने क्या करा, इसको हम 316 का स्क्वायर निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 से इसका बड़ा हो गया. एंड 317 का स्क्वायर निकालो तो ये हो गया आपका. एंड द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द, ये हो जाएगा इसका 1,489. ये हो जाएगा आपका इसका परफेक्ट स्क्वायर. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वेयर. अब द पहले हमने लिया था स्मॉलेस्ट, अब हम लेंगे इसका ग्रेटेस्ट. सो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएंगे आपके 9999. इसका भी हम क्या निकालेंगे, स्क्वेयर रूट निकालेंगे, और इसका हम बता देंगे कि इसको माइनस करके कि इसका परफेक्ट स्क्वेयर क्या होगा. तो ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो इसको हम माइनस कर देंगे कितने में से, इसका जो इसका रिमाइंडर आया था, और जो आपका माइनस करके जो नंबर आएगा वो हो जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वेयर. थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू.